नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जाधवन और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में, जो न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय करेगा बल्कि देश की राजनीति पर भी बड़ा असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव कब होने वाले हैं, राज्य के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, यहाँ के राजनीतिक समीकरण कैसे बदल रहे हैं और कौन सी पार्टी चुनाव जीतने की संभावना में आगे है और किन कारणों से। इसके अलावा बाकी राज्यों में होने वाले चुनावों का महाराष्ट्र चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। महाराष्ट्र में अगला विधानसभा चुनाव जो है वो 20 नवंबर 2024 को होने जा रहा है और इसी के चलते वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म हो जाएगा, इसीलिए इससे पहले चुनाव कराए जाने जरूरी है। ये चुनाव खास इसलिए भी होंगे क्योंकि 2019 के बाद से राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। शिवसेना का विभाजन, एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना और शिवसेना बीजेपी का गठबंधन अब बदल चुके राजनीतिक समीकरण की तस्वीर पेश करता है। महाराष्ट्र में चुनावी मुद्दे काफी विविध हैं और ये हर चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों पर असर भी डालते हैं। आइए जानते हैं 2024 में प्रमुख मुद्दे क्या हो सकते हैं। पहला, किसान संकट और कृषि सुधार। देखिए, महाराष्ट्र में किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। किसानों की कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का मामला चुनावी चर्चा में केंद्र में रहेगा। मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में खेती मुख्य आजीविका है और यहाँ पानी की कमी और सूखे की समस्या से किसान संघर्ष कर रहे हैं। शरद पवार ने इस मुद्दे पर कहा था कि किसानों की समस्या को नजरअंदाज करने वाली सरकार का चुनाव में कोई भविष्य नहीं है। दूसरा है मराठा आरक्षण। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। 2018 में मराठा आंदोलन ने सरकार को आरक्षण देने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इस सब पर पूरी तरह से समाधान नहीं निकला है। छगन भुजबल ने हाल ही में बयान दिया कि मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर से उठेगा और सरकार को इसे हल करना ही होगा। तीसरा, बेरोजगारी और रोजगार के अवसर। देखिए, राज्य में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर युवाओं के बीच। कई छोटे और मध्यम उद्योगों की मंदी ने राज्य में रोजगार के अवसर घटाए हैं। 2019 से अब तक बेरोजगारी दर में कोई खास सुधार नहीं देखा गया है। देवेंद्र फडणवीस ने एक सभा में कहा था कि हमारी सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और नई नौकरियों के कई अवसर पैदा किए हैं और हमें इसे और बढ़ाएंगे। चौथा, महंगाई और आर्थिक संकट। देखिए, महंगाई विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी एक बड़ा मुद्दा होगा। आम जनता इसके चलते परेशान है और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार निशाना भी साधा है। अजीत पवार ने कहा कि महंगाई का जो बोझ आम आदमी पर पड़ा है उसका असर चुनावी परिणामों पर जरूर दिखेगा। पांचवा मुद्दा है औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए, महाराष्ट्र का मुंबई पुणे क्षेत्र औद्योगिक हब माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में यहां नए उद्योग लगाने की गति धीमी हुई है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक, पानी की समस्या और शहरी विकास की भी बड़ी चुनौती है। उद्धव ठाकरे ने अपने एक भाषण में ये कहा था कि हमने अपने कार्यकाल में मुंबई का विकास किया, लेकिन और भी बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। देखिए, जब बात कर रहे हैं चुनावी समीकरण की, तो महाराष्ट्र में मुख्य तौर पर दो गठबंधन आमने सामने होंगे। पहला, बीजेपी शिंदे गुट यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठबंधन राज्य में सरकार का चल रहा है। 2022 में उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। सरकार का समर्थन और शिंदे का मुख्यमंत्री पद पर होना इस गठबंधन को मजबूत बनाता है। हालांकि शिवसेना में विभाजन और उद्धव ठाकरे के पारंपरिक समर्थकों का टूटना शिंदे गुट के लिए एक चुनौती जरूर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान कहा कि महाराष्ट्र की जनता को विकास चाहिए और बीजेपी शिंदे गठबंधन ने विकास को नई ऊंचाई दी है। दूसरा है महाविकास अघाणी यानी कि MVA। दूसरी तरफ है महाविकास अघाणी MVA, जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे, NCP, शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन है। ये गठबंधन पहले भी सत्ता में था, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद गिर गया। MVA का किसानों, मजदूरों और मराठा समुदाय के बड़े हिस्से में समर्थन है। शरद पवार की राजनीति और उद्धव ठाकरे की खास इस गठबंधन को मजबूती भी देती है। उद्धव ठाकरे ने अपने एक बयान में कहा था कि शिवसेना का असली चेहरा हम है और महाराष्ट्र की जनता इसे पहचानती है। अब सवाल है कि कौन जीत सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट और महाविकास अघाणी के बीच सीधा मुकाबला होगा। कुछ प्रमुख कारण जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं वो है, बीजेपी शिंदे गठबंधन की स्थिति मजबूत क्यों है,
तो देखिए केंद्र सरकार का समर्थन है, एक तो बीजेपी के पास केंद्र में सत्ता है और इसका सीधा फायदा महाराष्ट्र के चुनाव में हो सकता है। शिंदे का मराठवाड़ा और विदर्भ में प्रभाव, शिंदे गुट का ग्रामीण और मराठवाड़ा क्षेत्रों में असर हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पारंपरिक समर्थक इनके लिए मुश्किल खड़ी जरूर कर सकते हैं। अगला है विकास का एजेंडा। तो देखिए बीजेपी विकास की बात करके चुनावी रैलियों में अपने कामकाज को गिनवाती है, इससे शहरों में बीजेपी को फायदा हो सकता है। अगला है महाविकास अघाणी की स्थिति बेहतर क्यों है। तो देखिए उद्धव ठाकरे की साख है, उद्धव ठाकरे का समर्थन अभी भी शिवसेना के बड़े हिस्से में है, खासतौर पर मुंबई और कोकण क्षेत्रों में। देखिए शरद पवार की राजनीति समझ और उनकी ग्रामीण इलाकों में पकड़ महाविकास अघाणी के पक्ष में काम कर सकती है। अगला है आरक्षण और किसानों के मुद्दे। तो मराठा आरक्षण और किसान संकट को लेकर विपक्ष का हमला मजबूत रहेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीए को फायदा हो सकता है। शरद पवार ने इसके लिए कहा था कि हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे और बीजेपी शिवसेना के गलत फैसलों को जनता के सामने भी लाएंगे। बाकी राज्यों के चुनावों का असर देखा जाए तो महाराष्ट्र चुनाव पर अन्य राज्यों के चुनावों का असर भी जरूर पड़ेगा, खासकर हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव, जहां दोनों जगह ही अलग अलग पार्टियों ने बाजी मारी है। जहां हरियाणा में भाजपा जीती है तो वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस। लेकिन अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में कौन जीत हासिल करता है। महाराष्ट्र चुनाव 2022 में कई मुद्दे और समीकरण है जो चुनावी नतीजों को प्रभावित जरूर करेंगे। बीजेपी शिंदे गुट और महाविकास अघाणी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। किसान संकट, बेरोजगारी, मराठा आरक्षण और महंगाई जैसे मुद्दे इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। देखना यह होगा कि जनता किसे सत्ता में लेकर आती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आप किसे समर्थन करेंगे और किसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।